हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राजेश है एंड आप देख रहे हो आईटी ज्ञान 2.0। सो आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है हाउ टू इंस्टॉल इक्लिप्स लेटेस्ट वर्जन फॉर अबैप प्रोस्पेक्टिव। ओके, सो जो है मैं इक्लिप्स का सेटअप डाउनलोड करूँगा। सो मैं ब्राउज़र क्रोम यूज करता हूँ। आप जो भी ब्राउज़र यूज करते हो वो ब्राउज़र आप ओपन करोगे एंड आप डाउनलोड करोगे इक्लिप्स का सेटअप। ओके, सो मैं इक्लिप्स का सेटअप मैं फर्स्ट जो लेटेस्ट वर्जन है सो मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। सो मैं टाइप करूँगा इक्लिप्स एंड जो है इक्लिप्स डाउनलोड, देन करेंगे एंटर। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो इक्लिप्स का ऑफिशियल साइट है, इस पर हम क्लिक करेंगे, ये हमें रिडायरेक्ट करेगा डाउनलोड वाले लिंक पे। ओके, सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो हमारा इक्लिप्स का आईडी वर्जन जो लेटेस्ट इक्लिप्स है। सो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे डाउनलोड पे एंड देन ये जो है हमारा जो है यहाँ पे फिर अगेन हम करेंगे डाउनलोड पे क्लिक एंड देन ये हमारा जो है सेटअप जो है ये स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड के लिए। ओके, सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो हमारा सेम लेटेस्ट वर्जन का जो सेटअप है ऑलरेडी डाउनलोडेड है। सो कोई नहीं, मैं यहाँ पे जो है वेट कर लेता हूँ, ये भी मेरा सेटअप डाउनलोड हो गया। सो मैं स्क्रीन को कर लूँगा क्लोज एंड मैं चलूँगा डाउनलोड वाले लिंक पे। ओके, सो मैं आ गया हूँ डाउनलोड में एंड जो हमारा इक्लिप्स का सेटअप है मैं इसको रन करूँगा एंड जो है मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ जब तक हमारा जो है इक्लिप्स का सेटअप रन होता है। मैं स्क्रीन को कर लूँगा क्लोज। आप देख पा रहे हो यहाँ जो है इक्लिप्स सेटअप इंस्टॉलर जो है रन हो गया है। सो मैं वेट कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लेगा अकॉर्डिंग टू नेट बैंडविड्थ एंड अकॉर्डिंग टू सिस्टम कन्फिग्रेशन। ओके, सो मैं वेट कर लेता हूँ। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो है इंस्टॉल, यहाँ पे पैकेज जो है डिफरेंट टाइप ऑफ आपको यहाँ पे लैंग्वेज आपको दिख रहे होंगे। सो मुझे करना है इक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर। सो मैं क्लिक करूँगा फर्स्ट वाले पे एंड ये जो है जेवीएम का जो हमारा जो लेटेस्ट जावा का डायरेक्टरी है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जिस जेवीएम जेडीके के अकॉर्डिंग आपको करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। सो मैं 21 लेटेस्ट वर्जन के लिए कर रहा हूँ एंड जो हमारा जो इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है वो ये है। ओके, सो मैं करता हूँ इंस्टॉल बस जो है एंड ये जो है मैं करता हूँ इंस्टॉल एंड जो है ये इंस्टॉलेशन हमारा जो है स्टार्ट हो गया है। सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, सो मैं तब तक कर लेता हूँ वेट। ओके, और यहाँ पे जो है इंस्टॉलेशन हो गया हमारा कंप्लीट। सो मैं इसको करूँगा लॉन्च। ओके, ये अभी हमारा रन जो है हो रहा है। सो मैं कर लेता हूँ वेट। आप लोग वीडियो को करना लाइक एंड चैनल को करना सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबा लेना। ओके, सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो इक्लिप्स का वर्क स्पेस डायरेक्टरी जो है वो हमारा सी कॉलम स्लैश यूजर डेल, डेल हमारा यूजर है एंड स्लैश इक्लिप्स डैश वर्क स्पेस जो है ये हमारा इक्लिप्स का डायरेक्टरी है। आप इसको चेंज भी करना चाहो तो आप इसको चेंज करना जो है आपको अपना स्पेसिफिक फोल्डर बना के आप उसमें आप इसको सेव करा सकते हो, बट मैं इसको बाय डिफॉल्ट रखता हूँ। सो मैं यहाँ पे करूँगा टिक एंड देन हम करेंगे लॉन्च। सो हमारा जो है इक्लिप्स का एप्लीकेशन जो है रन जो है स्टार्ट हो गया है। सो मैं कर लेता हूँ वेट जब तक जो है हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, तब तक मैं आपको एक जो हमारा जो लाइब्रेरी जो पैकेज है जो हमें डाउनलोड करना है अबैप प्रस्पेक्टिव से। सो मैं वो पहले अबैप प्रस्पेक्टिव से जो भी हमें लाइब्रेरी डाउनलोड करना है सो मैं उसके लिए मैं आपको लिंक मैं ओपन करके जो है वो लाइब्रेरी वहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो मैं उसके लिए चलूँगा हाना ऑन डिमांड वाले लिंक पे, देन करेंगे एंटर। देन यहाँ पे आप देख पा रहे हो SAP डेवलपमेंट टूल, इस वाले लिंक पे आप क्लिक करोगे। ओके, सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो डिफरेंट टाइप ऑफ जो है इक्लिप्स का। सो
आपको अगर क्लाउड मतलब फुल पैकेज के साथ चाहिए, सो आप इस वाले लिंक पे जो है मैं प्रेफर करूँगा, इस वाले लिंक पे आप इस वाले लिंक को कॉपी करके इस वाले लिंक को आप कॉपी करोगे एंड इक्लिप्स वाले एप्लीकेशन में आओगे एंड देन आप जाओगे हेल्प के अंदर, देन आप यहाँ पे देख पा रहे हो इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर, ओके एंड देन यहाँ पे आप उसको लिंक को करोगे पेस्ट एंड देन आप करोगे एंटर, ओके सो आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हो अब ऐप डेवलपमेंट टूल, मॉडलिंग टूल, SAP क्लाउड बिजनेस, SAP हाना टूल। बट आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर आप लेटेस्ट वाले पे लिंक को आप कॉपी करते हो सो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे नहीं मिल पाएंगे, ओके सो जो है मैं प्रेफर करूँगा, सो आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको क्लाउड बेस के लिए आपको यहाँ पे नहीं है, सो आप इस वाले लिंक को जो है ये 2023-03 वाले लिंक को आप इसको कॉपी करोगे एंड जो है यहाँ पे आप पेस्ट करोगे, ओके सो आपको यहाँ पे क्लाउड बेस के लिए भी पैकेज जो है लाइब्रेरी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सो आप वन बाय वन आप करोगे क्लिक एंड देन आप करोगे नेक्स्ट एंड आप करोगे वेट, सो यहाँ पे आप जो है थोड़ा सा टाइम लेगा पैकेज लाइब्रेरी को इंस्टलाइज करके चेक करेगा एंड जो है इंस्टॉलेशन का कुछ सिक्योरिटी रीजन से आपको उसको एक्सेप्टेंस देने होंगे, सो जो है ये थोड़ा सा टाइम लेगा, सो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ वेट, ओके सो यहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट एंड अगेन हमें जो है थोड़ा सा टाइम लेगा, अगेन हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट एंड मैं टर्म कंडीशन को करूँगा एक्सेप्ट एंड देन हम करेंगे फिनिश, सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो आपका परसेंटेज इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर 49% यहाँ पे जो है आपको दिखा रहा है, सो जब भी कंप्लीट होगा सो यहाँ पे आपके जो है कंप्लीट प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखा देंगे, सो आप जो है वेट कर लेते हैं हम, सो मैं यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैं टिक करूँगा एंड मैं सेलेक्ट ऑल करके मैं यहाँ पे ट्रस्ट ऑल करूँगा, मैं करूँगा एक्सेप्ट एंड देन हम करेंगे ट्रस्ट पे क्लिक एंड देन यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हो अपडेटिंग प्रोसेस स्टार्ट है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, सो मैं कर लेता हूँ वेट, सो अगेन आप यहाँ पे देख पा रहे हो अगेन हम करेंगे सेलेक्ट ऑल देन हम करेंगे ट्रस्ट पे क्लिक एंड देन जो है 90% जो है 83% जो है हमारा इंस्टॉल हो गया कंप्लीट, सो यहाँ पे आप करोगे रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक एंड जो है आपका इक्लिप्स जो है ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होगा, सो मैं आपको यहाँ पे चेक करा देता हूँ जो भी हमने पैकेज एंड लाइब्रेरी हमने अब ऐप प्रोस्पेक्टिव से इंस्टॉल किया है, सो मैं यहाँ पे आपको वन बाय वन चेक करा देता हूँ, ओके सो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो है हमारा क्लिप्स हो गया ओपन, सो मैं आपको एप्लीकेशन चेक करा देता हूँ कि आपको जो है जो भी पैकेज जो भी हमने इंस्टॉल किया है, सो मैं उसके लिए मैं चलूँगा विंडोज़ के अंदर जो है मैं चलूँगा शो व्यू के अंदर एंड देन यहाँ पे हम जाएंगे अदर्स के अंदर, देन यहाँ पे देख पा रहे हो जो भी जितने भी अब ऐप के रिलेटेड जो भी पैकेजेस हैं लाइब्रेरी हैं वो आपको यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ओके आप यहाँ से जो है आपको प्रोजेक्ट अगर मतलब आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना हो या कोई सिस्टम ऐड करना हो सो आप यहाँ से कर सकते हो, ओके एंड जो है आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना हो सो यहाँ पे आप जावा का प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट नेम वगैरह जो भी आपका, ओके सो आगे के चीज़ें हम डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में, ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद।